व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। हमारी नागालैंड की जर्नी शुरू हो चुकी है और गाड़ी में फ्यूल इस वक्त भर रहा है कि भैया गाड़ी को फुल टैंक कर रहे हैं। सुबह का वक्त है और बाकी जर्नी के भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। ये यहाँ की मसाजिद के टोम से अभी शाम का 5:30 बज रहा है और हम अपना दिन का खाना खाने के लिए रुके हैं एक ढाबे पे। यहाँ पर हम अपना खाना खाएंगे। अभी दिन का फर्स्ट डे हमारा जर्नी का, 500 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल कर लिया है अभी तक। ये ढाबा है और फिर आगे के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, आज हमारा day 4 है। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ दीपू पहुँच चुके थे और हमने यहाँ पर एक वॉशिंग सेंटर है एक अंकल का, वहाँ पर गाड़ी दे दी थी वॉश होने के लिए। बहुत ही अच्छी, हमारे बिल्कुल टेस्ट की उन्होंने गाड़ी वॉश करके दी है, एकदम क्लीन कर दी उन्होंने। मज़ा आ गया गाड़ी वॉश करवा के उनसे। सुबह ही हम दे गए थे उनको, फिर हम होटल चले गए थे रेस्ट करने। देखिए दोनों गाड़ी एकदम नीट एंड क्लीन हो चुकी हैं। दोनों गाड़ियाँ वॉश हो चुकी हैं। अब हम इसकी कल ये वाली गाड़ी हम दीमापुर में डिलीवर करेंगे और ये वाली जो अभी इवनिंग में जो कस्टमर है वो आएंगे गाड़ी लेने। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी नागालैंड के और आसाम के जो कस्टमर्स हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं वो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। कल तक हम यहाँ पर हैं, वो जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक यू।